हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ हैप्पीली आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे सो so, आज फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ आ गई हूँ सो so, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं right. और आज का टॉपिक है लिविंग इन यू एस ए वॉट आर द प्रोज एंड कॉन्स यू एस ए आना हर एक इंडियन का हर एक इंसान का ड्रीम लिस्ट में ज़रूर होता है लाइक सोशल मीडिया में जब हम देखते हैं यू एस ए में जो रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ही फैसिनेटिंग होती है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं बड़े बड़े घर में रहते हैं और वहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग होती है सो so, यस yes, मैं अभी यू एस ए मुझे दो साल हो गए तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिस इज़ ऑल ओनली माई पॉइंट ऑफ व्यू हाउ आई लुक टू द यू एस सो ये फैसिनेटिंग होती है यहाँ की लाइफ अच्छी होती है बहुत ही हैपनिंग होती है सो so, कहते हैं ना हर एक अच्छाई के साथ एक बुराई भी ज़रूर होती है और एक बहुत ही फेमस कहावत भी है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं सो so, चलिए जानते हैं कि यहाँ के आ, कुछ प्रोज के बारे में कुछ कॉन्स कॉन्स के बारे में बट इस वीडियो का मतलब और इस टॉपिक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी भी तरीके से आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ या किसी को अगर यहाँ पे आने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर आइए क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ के लाइफ के बारे में करना ये बहुत ही ज़रूरी है तो अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर आइए इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पर मत आइए या यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ लिविंग इन यू एस प्रोज एंड कॉन्स तो मैं पहले प्रोज बताऊँगी फिर मैं कॉन्स पे आऊँगी क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों से शुरुआत करते हैं पहले तो आ, सबसे जो पहली चीज़ है जो मुझे यहाँ की लगती है वो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सो यहाँ के रोड बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरे होते हैं आ, बहुत ही अच्छे होते हैं अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको कहीं पर भी ऐसे हचका नहीं लगता या कोई ऐसा बम्पर्स नहीं आते तो यहाँ के रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और यहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आने के बाद यहाँ की नोटिस की वो ये है कि यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं जो लोग रास्तों में वॉक करते हैं चलते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है कभी भी अगर आप वॉक कर रहे हैं कहीं पर भी किसी भी जगह पे वैसे तो यहाँ पे एक बटन्स दिए होते हैं रोड को क्रॉस करने के लिए तो जब आप रोड क्रॉस करने के लिए बटन प्रेस करें करेंगे तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी और इंटरसेक्शन में जो भी गाड़ियाँ हैं वो रुक जाएंगी बट कहीं 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 पे ऐसा होता है कि वो होता भी नहीं है वो बटन्स नहीं होते तब भी जो गाड़ियाँ हैं वो आपको देख के ज़रूर रुक जाएंगी हर एक स्टोर के आगे एक जगह होता है स्पेशली फॉर पेडेस्ट्रियंस तो हर एक गाड़ी वहाँ पे रुक जाती है अच्छे से लोग वॉक करके पहले क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद ही गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पे ऐसा नहीं समझा जाता है कि रोड पे चल रहे हो तो बस इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो यहाँ पर जो भी वॉक करते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है दूसरी चीज़ यहाँ की मुझे एक और चीज़ अच्छी लगती है यहाँ पे हॉकिंग बिल्कुल भी नहीं होती यहाँ पे गाड़ियों में हॉर्न नहीं बजाया जाता है तो साउंड पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है अंटिल अनलेस कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई एक्सीडेंट होने वाला हो या तो आप आ, किसी और लेन में चल रहे हो आप कुछ गलत कर रहे हो तो हॉकिंग होती है और यहाँ पे हॉकिंग को बहुत बुरा माना जाता है लाइक जैसे आपने किसी को गाली दे दी अगर हॉन्किंग हो गई तो तो इस तरह का यहाँ पे माना जाता है तो हॉन्किंग यहाँ बिल्कुल नहीं होती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि अननेसेसरी यहाँ पे पै 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 हॉर्न नहीं बजाया जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं मतलब आप रास्ते में निकले जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी नए नए मैं जब आ, स्टोर वगैरह में जाती थी बाहर कहीं भी जाती थी तो लोग ऐसे ना सामने से आते हुए स्माइल पास करते थे और कभी कभी आपके ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करते थे आपको कॉम्प्लीमेंट देते थे तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं तो इन्हें जानती भी नहीं तो ये मुझे देख कर स्माइल पास क्यों कर रहा है हाय हेलो गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ऐसा बोलते हैं लोग बट उसके बाद मुझे रहते रहते ये समझ में आया कि ये यहाँ का कल्चर है कि यहाँ पे लोग आपको पहचाने या नहीं पहचाने आपसे आपका हाल चाल पूछते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं तो यहाँ पे उनका बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर होता है और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ यहाँ पे अगर आप स्टोर में जाते हैं ना मान लीजिए आपने डोर आपने ओपन किया आप खोलने के लिए आपके हाथ में बहुत सारे बैगेज हैं आप स्टोर से शॉपिंग करके आ रहे हैं तो जो दूसरा बंदा है वो आपके लिए डोर ओपन करके रखता है और जब तक आप पूरा अच्छे से क्रॉस नहीं कर लेते वो वहीं पे खड़ा रहता है तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है तो यहाँ के बारे में चलिए अब मैं नेक्स्ट प्रोज की बात करती हूँ यहाँ पे जो लोग हैं दे आर लेस जजमेंटल वो आपको जज नहीं करते हैं कि आपने क्या पहना है आप कहाँ जा रहे हैं आप क्या खा रहे हैं आप क्या नहीं खा रहे हैं कोई किसी से मतलब नहीं रखता है कोई आपको लेकर जजमेंटल नहीं होता है कोई जज नहीं करता है एंड नो बडी स्टेयर सेट यू कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली गर्ल्स अपने आप को बहुत सिक्योर फील करती हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी को आ, ऐसे नहीं देखना या ऐसे कमेंट पास करना ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज मैं जब से आई हूँ मैंने यहाँ पे कभी भी नहीं देखी तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है नेक्स्ट प्रो की मैं बात करूँ तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ पे पोल्यूशन आपको कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो प्रॉपरली चेक होती हैं टाइम टू टाइम अगर चेक नहीं होंगी तो फिर आप आपका फाइन लग जाएगा तो इसलिए यहाँ पे यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उस पर कभी भी ब्लैक स्मोक नहीं आता है तो यहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पे जो फ्रे, फ्रेश एयर आप फील कर सकते हो क्योंकि हवा में कभी भी कोई डस्ट मिट्टी धूल ये सब कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा क्लीन होता है तो आप अगर दोपहर में भी जा रहे हो कहीं पर मॉर्निंग में भी जा रहे हो तो यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी क्लीन होता है गाड़ियों में से मैंने कभी भी नहीं देखा कि यहाँ पर धुआँ निकल रहा है तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा फ्रेश है और यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है तो ये ये एक बहुत ही बड़ा बहुत ही एक प्लस पॉइंट है जो मैंने यहाँ का नोटिस किया नेक्स्ट प्रो की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना एक स्टोर में आपको हर एक चीज मिल जाएगी चाहे आपको एक धनिया मिर्ची भी चाहिए हो या तो आपको एक बाइसिकल चाहिए हो या कोई कार का पार्ट चाहिए हो प्लांट्स चाहिए हो मतलब एक ही स्टोर में आपको सब कुछ मिल जाएगा आपको कभी भी अलग अलग स्टोर जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को यहाँ से शूज लेना है यहाँ से मुझे ग्रॉसरीज लेनी है यहाँ से मुझे फ्रूट्स लेना है और यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक स्टोर में ऐसा होता है यहाँ पे जितने भी स्टोर होते हैं जितने भी शॉप्स होते हैं उन हर हर एक स्टोर में आपको ए टू जी सारी जरूरत की चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आपको कभी भी इधर से उधर इस के लिए भागना नहीं पड़ेगा मतलब अगर आपको Uh, सब्जियां चाहिए हो फल चाहिए हो दूध चाहिए हो तो आपको उसी स्टोर में आपको बुक्स भी मिल जाएंगी कॉपीज़ भी मिल जाएंगी कपड़े भी मिल जाएंगे जूते भी मिल जाएंगे uh, क्राफ्ट का सामान भी मिल जाएगा मतलब ईच एंड एवरी थिंग यू गेट इन वन स्टोर नेक्स्ट प्रो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो है यहाँ पे जो भी इंडियंस है ना वो को, कोई साउथ इंडिया से है कोई नॉर्थ इंडिया से है कोई गुजराती है कोई पंजाबी है मतलब हर एक कल्चर uh, के लोग हैं यहाँ पे तो इंडिया में रहते हुए आ, कभी हम एक दूसरे का कल्चर इतना नोटिस नहीं कर पाते हैं, इतना जान नहीं पाते जितना यहाँ पे आके जान पाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अल्टीमेटली जो चिल करना है वो इंडियंस के साथ ही करना होता है तो डिफरेंट मतलब डिफरेंट एरिया इंडिया के डिफरेंट पार्ट से लोग यहाँ पर हैं तो बीग एन नॉर्थ इंडियन मुझे साउथ इंडियन लोग जब मिलते हैं तो मुझे उनके कल्चर के बारे में पता चलता है कि वहाँ कौन से फेस्टिवल होते हैं वहाँ क्या खाया जाता है और उनको भी हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है तो इतनी इतना ज़्यादा मुझे इंडिया में रहते हुए कभी नहीं पता चला तो यहाँ पे आप डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ चिल कर सकते हो तो उनके बारे में जान भी सकते हो और दूसरी बात कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ शायद मैंने ऐसी होली इंडिया में भी कभी नहीं मनाई इंडिया में तो हम लोग अपने अपने घर पर ही होली सेलिब्रेट करते हैं बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पर जो पूरी इंडियन कम्युनिटी होती है वो एक जगह एक कोई पार्क में या कहीं पर सारे लोग इतने सारे लोग एक साथ आपको होली सेलिब्रेट करते हुए दिख जाएंगे या होली क्यों कोई भी फेस्टिवल तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्लेस होता है जहाँ पे सब लोग सारे लोग जाके वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और सारी चीज़ें एक साथ सेलिब्रेट करते हैं तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हम यहाँ पर और ज़्यादा खुल के सेलिब्रेट करते हैं और ज़्यादा बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जब आप इतने सारे लोग हज़ार बारह सौ लोगों के बीच में जब आप सेलिब्रेट करोगे तो वो सारी चीज़ें डबल हो जाती हैं तो यहाँ का ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे आप सारे फेस्टिवल्स सारे कल्चर यहाँ पे आप यहाँ आने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा जाना है तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मैं बीइंग एन एच फोर वीज़ा मैं जॉब नहीं कर सकती बट मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ और भी जो भी फ्रेंड्स हैं उनको देखती हूँ यहाँ पे वर्क कल्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर आप मॉर्निंग में जाते हो आठ बजे तो चार बजे आठ से चार का आपका टाइम है तो उतना ही टाइम आपको करना है ऐसा नहीं कि आप एक्स्ट्रा टाइम आपको कोई प्रेशर करेगा कि नहीं आपको छः बजे तक बैठना है आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा या तो वीकेंड्स में आपको बिजी रखा जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे प्रॉपर अपने टाइम से लोग जाते हैं और टाइम से ही वापस आते हैं तो और नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे ना किसी को भी छोटा या बड़ा ऐसे करके बिल्कुल लुकआउट नहीं किया जाता है अगर आप किसी कंपनी के चेयरमैन हो सीईओ हो या तो आप Uh, कहीं किसी रेस्टोरेंट में वेटर हो या बर्तन धोने का काम करते हों हर एक इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट यहाँ पे दिया जाता है ऐसा नहीं कि आप की सैलरी बहुत ज्यादा है तो आपको उस नज़रिए से देखा जाएगा या तो आपकी सैलरी बहुत कम है तो आपको उस नज़रिए से देखा जाएगा यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पे हर एक जॉब का सेम रिस्पेक्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है यहाँ पे आप चाहे नंबर वन कंपनी के नंबर वन पोजीशन पे हो या तो आप उसी कंपनी में जस्ट ज्वाइन किए हो दोनों का जो लेवल है या लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल इक्वल है तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है नेक्स्ट प्रो बताने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ जो कि मैं आ, हमेशा ही देखती हूँ मेरी डॉटर यहाँ पे मिडिल स्कूल में है तो वहाँ पे जब भी छुट्टी होती है या मॉर्निंग टाइम में जब ड्रॉप करने जाते हैं बच्चों को तो यहाँ पे ना जो स्कूल के टीचर्स होते हैं और टीचर्स भी नहीं प्रिंसिपल हो या वाइस प्रिंसिपल हो सब लोग ना एक बोर्ड लेके खड़े होते हैं और अगर रोड बच्चे क्रॉस कर रहे हैं तो जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल प्यार से सारी गाड़ियों को स्टॉप साइन लेके खड़े होते हैं और सारी गाड़ियों को रोकने को बोलते हैं और वो खुद जाके चाहे वो प्रिंसिपल ही क्यों ना हो उस स्कूल की वो सारे बच्चों को लेकर क्रॉस कराती हैं तो ये चीज़ मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ का कि टीचर्स खुद ही वॉलेंटियर करते हैं डजेंट मैटर कि वो उस स्कूल के प्रिंसिपल भी क्यों ना हो वो भी धूप हो बारिश हो गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो रही हो स्नो भी हो रहा हो तब भी टीचर्स खड़े होते हैं स्टॉप साइन लेके रोड के पास और जब भी बच्चे रोड क्रॉस करते हैं स्कूल आते हैं या स्कूल से वापस जाते हैं छुट्टी के टाइम पे तो टीचर्स खुद खड़े होकर बच्चों को रोड क्रॉस करवाती हैं और एक चीज़ और यहाँ पे है ना यहाँ पे जब भी स्कूल टाइम होता है तो फुल बसेज आती हैं रास्तों में तो यहाँ पे ना अगर स्कूल बस आपके सामने है तो पीछे की सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी कोई भी गाड़ी बस के स्कूल बस के आगे नहीं जाएगी अगर मान लीजिए बस में स्कूल के बच्चे चढ़ रहे हैं तो सारी गाड़ियाँ तब तक रुकी रहेंगी जब तक बस के अंदर सारे बच्चे अच्छे से सेफली बैठ नहीं जाते हैं ऐसा नहीं है कि बस से आगे जाने की कोई कोशिश करता है ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं होता है तो यहाँ पे बच्चों का सेफ्टी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है और जब भी भी स्कूल टाइमिंग होता है ना लाइक मॉर्निंग में जो बच्चों की स्कूल टाइमिंग होती है स्कूल जाने की या तो जो टाइमिंग होती है स्कूल से घर आने के बच्चों की तो वो जो आधे घंटे का मॉर्निंग का टाइम और आधे घंटे का इवनिंग का टाइम जो होता है उस टाइम पे जो स्पीड होती है वो भी स्लो कर दी जाती है ट्वेंटी uh, से ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता है स्पेशली इन द स्कूल एरिया मतलब स्कूल के आसपास जो भी रास्ते होते हैं जो भी एरिया होता है वहाँ पे गाड़ियों की स्पीड ट्वेंटी से ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकती है और यहाँ पे कॉप्स उस टाइम पे स्पेशली स्कूल टाइम पे हर जगह खड़े होते हैं और अगर आपने थोड़ा सा भी स्पीड ऊपर नीचे कर दिया तो तुरंत कॉप्स आके आपको पकड़ लेंगे और फाइन वाइन कर देंगे तो ये यह चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे बच्चों की सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सो so, ये सारी चीज़ें तो हो गई प्रोज इन अमेरिका अब मैं कुछ कॉन्स भी बताती हूँ बट कॉन्स मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ जिससे अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अपना सेट ऑफ़ माइंड करके आइएगा कि यहाँ पे सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही नहीं होती यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कॉन्स जो है यहाँ पे जो बहुत ही बड़ा है वो ये है कि आपको यहाँ पे सारे के सारे काम खुद से करने आने चाहिए चाहे वो बर्तन धुलना हो खाना बनाना हो ड्राइविंग हो या कोई और काम हो मतलब यहाँ पे आपको सारे काम आपको खुद से ही करने हैं आप एंड स्पेशली फॉर लेडीज़ कि यहाँ पे मेड्स नहीं होती मेड्स होती भी हैं तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं जैसे हमें हमेशा आदत है इंडिया में तो एक सुबह के टाइम शाम के टाइम आ जाती थी बर्तन धुलने खाना बनाने झाड़ू पोछा करने बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे मेड्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज़ वो लोग अगर आएंगे भी तो एक घंटे का हंड्रेड डॉलर चार्ज कर लेंगे सो इट्स सो एक्सपेंसिव और वो नॉर्मल कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो यहाँ पे ये यह चीज़ एक मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है इस चीज़ की सेकेंड चीज़ इट्स अगेन फॉर लेडीज़ कि यहाँ पे जो पार्लर चार्जेस है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है चाहे आपको थ्रेडिंग ही क्यों ना करनी हो या आपको कोई भी वैक्सिंग करनी हो फेशियल कराना हो तो जो भी पार्लर का काम होता है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है तो यहाँ पे इससे अच्छा है कि छोटे मोटे जो काम है वो आप अपने घर पे खुद से ही करना सीख लें क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा चार्ज होता है और साथ ही साथ ना आपको टिप भी देना पड़ता है तो यहाँ पे टिप कल्चर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है जैसे कोई भी ह्यूमन एफर्ट का कोई भी काम है आपको चार्ज कॉस्टली तो चार्जेस तो उसके होते ही होते हैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपको टिप भी देना होता है यहाँ पे अगर आप टिप नहीं दोगे ना तो जस्ट ऐसे आपको देखिएगा यार कैसा बंदा है टिप भी नहीं दिया तो ऐसा लुक लोग देते हैं तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अमेरिका में लोगों को अक्सर फील होता है वो होता है लोनलीनेस येस यहाँ पे आपको बहुत लोनली फील होगा बिकॉज मैं अभी वर्क भी नहीं कर रही हूँ तो जैसे लगता है मेरे पास इतना सारा टाइम है और पूरा टाइम टीवी देखना क्योंकि घर के काम आप कितना भी करो एक टाइम पे वो ख़त्म हो ही जाता है और फ़ोन कॉल भी आप इंडिया पे करोगे तो यहाँ पे सुबह होती है वहाँ रात होती है यहाँ रात होती है वहाँ सुबह होती है तो उतना आप फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकते यहाँ पर आपको फैमिली रिलेटिवस ये सब भी नहीं है तो यहाँ पे ये चीज़ आपको अपने घर की याद आएगी लोनलीनेस फील होगा तो स्टार्टिंग में तो आपको इस चीज़ से कुप अप करने में बहुत टाइम लग जाएगा मुझे भी मेरे को लगभग मेरे को एक साल लगा था आ, मेरे को हमेशा हर एक फेस्टिवल में घर की याद आना सबकी याद आना ये बड़ा नॉर्मल सा है बट आपको यहाँ पे आने के बाद इस चीज़ से अपने आप को मतलब आपको फेस करना पड़ेगा और आप धीरे धीरे सीख जाओगे इस चीज़ से लड़ना क्योंकि हाँ बट येस जब आप स्टार्टिंग में आते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है अकेला फ़ील होता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप घर के बाहर जा रहे हो तो आपको दो चार फ्रेंड्स मिल रहे हैं आप उनसे अपने दिल की बात शेयर कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी बुरी लगती हैं स्पेशली ऑन फेस्टिवल्स में आपको घर की बहुत याद आएगी लेकिन धीरे धीरे जैसे आप यहाँ पे वक्त बिताएंगे वैसे वैसे आप इन सारी चीज़ों को फेस करना सीख भी जाएंगे नेक्स्ट कॉन्स मैं आपको बताती हूं कि यहां पे ना अगर आप किसी भी स्टोर में जाते हैं मान लीजिए आपको एक ब्रेड ही खरीदना क्यों ना हो आप कॉस्को में चले जाइए और आपको एक ब्रेड खरीदना क्यों ना हो आपको इतने एन नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ मिल जाएंगे ना ब्रेड के ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड सैंडविच ब्रेड मल्टीग्रेन ब्रेड ओट्स ब्रेड इतनी वेराइटी मिल जाती है ना कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि कौन सा ब्रेड लूँ अगर आप एक कॉफ़ी भी लेने जाओगे तो कॉफ़ी में भी इतनी सारी वरायटी आती है अगर आप एक ग्लास पानी भी मांगते हो ना तो रेस्टोरेंट में यहाँ पे पानी के भी दस वरायटी पूछ लेते हैं ये कोल्ड नॉर्मल आइस स्पार्कलिंग इतने साथ, मतलब इतनी वैरायटी यहाँ पे आपको बता दी जाएगी ना कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या चीज लेने के लिए आई थी और इस चक्कर में ना आप कभी कभी बहुत सारा सामान भर लेते हो और आपका बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आप काफ़ी बार ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि काफ़ी बार मैं जो मुझे चाहिए वो मैं नहीं लेकर आई हूँ जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी वैरायटी हो जाती है ना कि आप कन्फ्यूज़ रह जाओगे कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ ओके नेक्स्ट कॉन्स के बारे में बताओ तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है कुछ स्टेट में है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा मिल सकता है मैं रहती हूँ टेक्सास में तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो आपको ड्राइविंग आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं पर भी जाना हो आपको फुल टू डिपेंड ऑन योर कार आपको कभी भी यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं मिलेगा और अगर कहीं पर होता भी है तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती कि आपको यहाँ से यहाँ के लिए बस मिल गया फिर आपको वहाँ से वहाँ के लिए तो ऐसा कनेक्टिविटी नहीं है तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो ये एक मुझे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि आपको हर एक चीज के लिए अपने कार पर ही डिपेंड होना होता है नेक्स्ट कौन ये है कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी सामान चाहिए कुछ भी चाहिए तो आपको कोई भी आसपास कुछ नहीं मिलेगा आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा चाहे आपको एक हरी मिर्च भी लेनी हो या एक नमक का पैकेट ही लेना क्यों ना हो तो आपको उसके लिए भी वो दूर वाले बड़े वाले स्टोर में ही जाना पड़ेगा आपको ऐसे गली नुक्कड़ वाले कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी तो ये एक बात है नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा कमी लगती है यहाँ पे ना टेलर आपको नहीं मिलेगा टेलर मिलेगा तो वो इतना एक्सपेंसिव होगा वैसे तो मिलता ही नहीं है अगर मिल भी गया तो वो इतना एक्सपेंसिव है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो टेलर यहाँ पे नहीं मिल सकता स्ट्रीट फूड यस पानी पूरी चाट टिकिया ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं और मिलेगा भी तो इसका टेस्ट आप मैच नहीं कर सकते इंडिया से तो यहाँ पे जब भी ऐसी कोई क्रेविंग होती है तो हम लोग मार्केट से जो रेडीमेड गोलगप्पे होते हैं फिर पानी वानी बना के हम घर पर ही खा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप खाने भी जाओ तो इतना ज़्यादा महंगा होता है कि उससे अच्छा है कि आप घर पर ही बना के खा लो तो यहाँ पे मैं जो मिस करती हूँ वो है इंडिया का स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा तो ये एक कौन्स है नेक्स्ट कौन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और हेल्थ इंश्योरेंस के बिना आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर आपको एक कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो बुखार हो या कुछ भी हो तो यहाँ पे अगर आप अपॉइंटमेंट लेने गए तो आपको तुरंत तो मिलेगा ही नहीं आपको तब मिलेगा बिल्कुल ठीक हो गए होंगे तब क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ही ज़्यादा टफ है और बिना इंश्योरेंस के वो आपको डॉक्टर आपको चेक भी नहीं करेगा आपको देखेगा भी नहीं तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ पे डेप्ट में चला जाएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल चार्ज डॉक्टर के चार्ज बहुत ही ज़्यादा होते हैं आप जिंदगी भी अपनी लगा दो तो भी आप उस कर्ज को नहीं चुका पाओगे तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा महंगा है तो ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा खराब लगती है कि अगर मान लो आपको कोई भी चीज़ आपको छींक आई हो आपको जुकाम हो आपको सर्दी हो आप डॉक्टर नहीं दिखा सकते तो यहाँ पे इसलिए सब लोग अपने आप को मतलब ऐसा हम लोग कि मैंटैलिटी में आ गया है कि हमें डॉक्टर दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़े और दूसरी जो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे आपको ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन नहीं मिलेंगी लाइक like, इंडिया में जैसे हमें कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है फ़ीवर आ गया या कुछ भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो हम आराम से मेडिकल स्टोर में जाते हैं और भैया से मांगते हैं कि मुझे फ़ीवर है या मुझे कुछ है तो वो दवा देते हैं बट यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको यहाँ पे ओवर द काउंटर जाके कोई भी मेडिसिन नहीं मिलेगी छोटी मोटी चीजों की मिल जाएगी शायद वॉलमार्ट वगैरह में कॉस्को में मिल जाएंगी लेकिन अगर आपको ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के यहाँ पे मेडिसिन नहीं देते हैं बिना डॉक्टर के यहाँ पे मेडिसिन नहीं देते हैं और आपको एक चीज बताऊ यहाँ पे जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी होता है ना वो आपको नहीं मिलता है वो डायरेक्ट जो भी दवा प्रिस्क्राइब किए होते हैं ना वो डायरेक्टली चला जाता है जैसे यहाँ पे वॉल ग्रीन एक स्टोर है वहां पर सारी दवा मिलती है तो जो मेडिकल डॉक्टर को आपने दिखाया है इंडिया में प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल गया आप जाके दवा लेते हो पर यहाँ पे ना आपको पेशेंट को प्रेस्क्रिप्शन नहीं देंगे प्रेस्क्रिप्शन डायरेक्ट उसी शॉप पे पहुंच जाएगी और वहीं लोग आपको मेडिसिन दे देंगे यहाँ पे कुछ ऐसा है तो ये नेक्स्ट मैं अपनी बात बताऊँ आई एम इन एच फोर वीजा एंड आई कांट वर्क आई एम नॉट एलिजिबल टू वर्क हिर तो यहाँ पे काफी बोरिंग लगता है अगर आप एच फोर वीजा पे आ रहे हो तो आप इतना मेंटली प्रिपेयर होके जाओ कि आपको घर पर ही रहना है आपको मतलब हाउस वाइफ ही बनना है आपको यहाँ पे काम आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको यहाँ पे एस नहीं मिल जाएगा लाइक सोशल सिक्योरिटी नंबर विच इज लाइक आधार कार्ड इन इंडिया तो जब तक आपके पास वो नंबर नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हो भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खलती है कि मैं इंडिया में जॉब करती थी मेरा टाइम पास हो जाता था बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये चीज़ मुझे यहाँ की अच्छी नहीं लगती है नेक्स्ट कौन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे ना रिसेशन कभी भी हो सकता है इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा मतलब आज आपके पास जॉब है हो सकता है आपके पास दो दिन के बाद आपके पास जॉब ना हो क्योंकि जो भी एच वन बी पे जो आते हैं आ, उनका मतलब कोई श्योरिटी नहीं है जॉब की जॉब आज है कल नहीं है रिसेशन के नाम पे यहाँ पे कभी भी जॉब जा सकती है बट उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़े पड़ेगा उस टाइम जो ड्यूरेशन होता है कि कभी भी किसी के साथ जॉब जा सकती है तो वो टाइम सर्वाइव करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो ये सारे चीज़ हैं यहाँ पर तो वही कहते हैं ना हर एक जगह की कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई होती है परफेक्ट चीज़ तो कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है सो so, कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो आई होप आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर